गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी गुड मॉर्निंग हुई है 4 o'clock पर, और नॉर्मल डे में मेरी गुड मॉर्निंग होती है 5:30 पर। बट क्रेसी जी का आज कॉल आ गया 4 o'clock पर ही, ड्यूटी का कॉल, तो हम लोगों की सुबह आज 4 o'clock पर ही हो गई है। जस्ट फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। चाय पीकर कुरैशी जी फ्रेश होंगे, तैयार होके नहाकर ड्यूटी निकल जाएंगे, और कॉल आने के बाद मुझे 1 घंटा मिलता है सारी प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब खाना बनाना और टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ बीन्स यानी ग्वार की फली। मैंने ये रात को ही कट करके रख ली थी, क्योंकि कटिंग करने में ही टाइम लगता है, बाकी तो बहुत जल्दी बन जाती हैं ये। तो ग्वार की फली में लहसुन का बघार दे के ग्वार की फली, नमक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर डाल के थोड़ा सा 5 मिनट भून लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर के कैप को लगा देते हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है ये और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत पसंद है मुझे भी, कुरैशी जी को भी बहुत पसंद है। तो मैं वही बना रही हूँ टिफिन में। जिस बर्नर पर मैंने रोटियां सेक रही हूँ, एक पर सब्जी रखी है, जल्दी हो जाएगा काम। कुरैशी जी के जाने के जस्ट बाद मुझे बच्चों का भी स्कूल की प्रिपरेशन करना है। 5:30 पर मैं उठ जाती हूँ, 6 o'clock पर बच्चों को जगाती हूँ, और उनका भी टिफिन तैयार करना है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्रिपरेशन करना है। तो बहुत बिजी मॉर्निंग है ये। टिफिन हो गया तैयार, मैं टिफिन लगा रही हूँ। रोटी, बीन्स, सम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैं तभी रखती हूँ टिफिन में अगर मॉर्निंग में कॉल आती है तो, अदरवाइज दोपहर में या शाम को आती है तब मैं नहीं ड्राई फ्रूट रखती हूँ। सुबह से नाश्ता करके नहीं जाते हैं। सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं होता इतनी सुबह, अर्ली मॉर्निंग टिफिन पैक करके दे देती हूँ तो अपने हिसाब से खा लेते हैं। कुरैशी जी तो जा रहे हैं ड्यूटी, अब आई बाकी बच्चों की बारी, अब मैं बच्चों को उठाऊंगी, अब उनकी तैयारी में लग जाएंगे। तो अम्मू तो उठ चुके हैं, बिट्टू सो रहे हैं अभी, देखिए अम्मू टहल रहे हैं बाहर, उनकी दादी भी उठ गई हैं, बैठी हैं चेयर पर। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, नॉर्मल नहीं है, ज़ुकाम है बहुत, कफ खांसी फीवर भी आ जाता है।
अभी नॉर्मल नहीं हूँ मैं, बट मैंने कहा चलो आज सूट कर लेते हैं। बिट्टू सो रहे हैं, पहले मैं बच्चों का टिफिन तैयार कर लूँ, फिर उठाती हूँ मैं बिट्टू को। बिट्टू टिफिन में बना के दूंगी मैं बच्चों को पोहा, क्योंकि बहुत जल्दी आ जाते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 11 o'clock पर आ जाते हैं लोग, वरना 2 o'clock पर आते हैं। तो जब 2 o'clock पर आते हैं तो मैं हैवी लंच बना कर देती हूँ, अभी कुछ भी हल्का फुल्का बना देती हूँ। आज वह बना रही हूँ या फिर ऐसी बिस्किट या मखाने फ्राई करके टिफिन में ऐसे हल्का सा रख देती हूँ, क्योंकि 11 o'clock पर बच्चे वापस आ जाते हैं। उठ गए हैं, उठिए है? लेट हो जाओगे फिर आप। उठने में थोड़ा टाइम लेता है, अभी छोटा है वो। बच्चे निकल गए हैं स्कूल, जाने के बाद 15 मिनट में मोबाइल को देखूंगी अपने, और फिर मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है।
बहुत वायरल, डेंगू मलेरिया सब बहुत चरम पर है। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।